महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी कि शिवसेना यूबीटी एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महाविकास अघाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया और इसका ऐलान किया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण और विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी पहली बैठक हुई और इस बैठक में हमने फैसला लिया है कि राज्य का आगामी विधानसभा चुनाव भी हम सभी एक साथ मिलकर के लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश का लोकतंत्र बचाने के लिए राज्य के लोगों ने वोट किया और राज्य की जनता का लोकतंत्र बचाने की अहम भूमिका भी रही। राज्य के किसानों ने भी सरकार को संदेश दिया है कि महायुति का धार्मिक ध्रुवीकरण भी अब काम नहीं आने वाला है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, बीएमसी और महाराष्ट्र के तमाम शहरों के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं। जनता ने जागरूक होकर के वोट किया है, हमारे बीच में कोई भी छोटा या बड़ा भाई नहीं है, हम सब बैठक में चर्चा करेंगे। वहीं शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने बीजेपी को जवाब दे दिया है, ये लड़ाई लोकतंत्र और संविधान बचाने की थी, यहाँ पर हमारी विजय अंतिम नहीं है बल्कि अभी लड़ाई शुरू हुई है। आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव हम सभी एक साथ लड़ेंगे। चुनाव आयोग ने पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर के किया सबके सामने है, सबने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी है, हमें न्याय की उम्मीद है। ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में नकली सेना, नकली संतान, मंगलसूत्र बचाना, यह सब क्या सही नैरेटिव था? 400 पार का नारा तो बीजेपी ने ही दिया था, अच्छे दिन के नैरेटिव का क्या हुआ? मोदी की गारंटी का क्या हुआ? अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे क्या? बीजेपी का यह सब नैरेटिव नहीं था क्या? महाराष्ट्र और मुंबई के मराठी लोग राज्य को लूटने वालों को वोट नहीं देंगे। देवेंद्र फडणवीस ने हमें जो कहा था कि उनकी सरकार रिक्शे के तीन पहिए की तरह है, अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार की भी हालत ऐसी ही है। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को लेकर के कहा कि प्रधानमंत्री का पद देश की जनता ने दिया था, अब एनडीए के कारण बने हैं। इस बार के चुनावी नतीजे से साफ हुआ है कि मोदी पर लोगों का भरोसा बहुत कम हुआ है। मैं 22 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर गया था, जहाँ जहाँ प्रभु राम का वास्तव्य है वहाँ वहाँ बीजेपी हारी है। वहीं एनडीए में जाने के सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर मुझे जाना भी हो तो क्या इनके साथ बैठकर तो जाऊंगा नहीं? शिंदे और उनके साथी को लेकर के किए गए सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग छोड़कर के गए हैं मैं उन्हें वापस नहीं लूंगा। वहीं शरद पवार ने भी कहा कि छोड़कर गए लोगों को वापस लेने का अब सवाल ही नहीं होता है, देश में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता है। वहीं एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो और रैली हुई है वहां हमारी जीत हुई है, इस वजह से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना धन्यवाद देना चाहता हूं और अपना कर्तव्य भी समझता हूं। एमबीए के लिए राजनीतिक माहौल अनुकूल बनाने के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। महाविकास अघाड़ी के नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे, पृथ्वीराज चव्हाण ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी गठबंधन को समर्थन देने के लिए देश की जनता को भी धन्यवाद दिया। कुल मिलाकर के यह कि शरद पवार समेत महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने साफ कर दिया है कि अब वो एकजुट होकर के महायुति को चुनौती देंगे ही, साथ में ये भी बता दिया है कि महाराष्ट्र का सियासी समीकरण महायुति के खिलाफ है और इसका फायदा अब सीधे सीधे महाविकास अघाड़ी को होगा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से यहां पर महाविकास अघाड़ी ने अभी फिलहाल अपनी एकजुटता का तो ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया है, लेकिन आगे एक चुनौती और भी है, वो ये है कि विधानसभा चुनाव का सियासी समीकरण कैसे सेट होता है। साथ ही ये भी महत्वपूर्ण होगा कि यहां पर जो जिस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी रही हो शरद पवार गुट की, या फिर शिवसेना यूबीटी रही हो, क्या उसी के आधार पर ये लोग विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का मामला बनाएंगे और सीट शेयरिंग पर क्या समीकरण बनाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर के एक दिलचस्प लड़ाई होने वाली है, वो फिर चाहे महायुति गठबंधन हो या फिर महाविकास अघाड़ी हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।